नमस्ते। आइए आज साइनवे के इस न्यू वीडियो सेशन में हम देखते हैं साइनवे के टैक्स बेस जीएसटी प्रो सॉफ्टवेयर के जरिए आप आपका जीएसटीआर 2 रिटर्न जो है उसे कैसे बना सकते हो। सो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो टैक्स बेस जीएसटी प्रो का आइकॉन है उसे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन स्क्रीन आएगा जहां आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स चेक करके आपको डायरेक्टली टैक्स बेस जीएसटी प्रो होम स्क्रीन के ऊपर सॉफ्टवेयर लिखे जाएगा जहां आपको आपका जो भी रिस्पेक्टिव टैक्स पेयर होगा उसे सिलेक्ट करना होगा। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको जाना है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में परचेस रजिस्टर। परचेस रजिस्टर ऑप्शन आपको इसलिए प्रोवाइड किया है कि जहां से आप अपने परचेस किए हुए बिल्स के डिटेल्स जो है एंटर कर सकते हो। सो एंट्री करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन में आएंगे जहां आप नीचे देख सकते हो आपको यहां एक्सेल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी दी है। सो आप यहां से ब्लैंक एक्सेल शीट एक्सपोर्ट करके उसमें आपका डेटा एंट्री करके आप यहां एक्सेल के जरिए इंपोर्ट कर सकते हो या अदरवाइज आप यहां मैनुअल भी एंट्री कर सकते हो। सो एंट्री करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको पूछा है ट्रांजेक्शन डिटेल्स। आपका ये जो ट्रांजेक्शन है उसका टाइप आपको यहां से चूज करना है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड है, नील रेटेड है, नॉन जीएसटी, जो भी इसमें से आपका क्राइटेरिया रहेगा वो आपको चूज करना है। फिर कोड के अंदर आपको चूज करना है कि ये जो परचेसेस आपका विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है। फिर यहां आपको चूज करना है टाइप ऑफ क्रेडिट आपका नॉट एप्लीकेबल है, इनपुट है, इनपुट सर्विसेस है या कैपिटल गुड्स है। सो जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको चूज करना है। फिर यहां आपको पूछा है जो परचेस इनवॉइस है उसका नंबर। सो यहां हमें परचेस नंबर देना है बिल का। परचेस बिल की डेट देनी है। सो यहां मैं 31/7/2017 दे रहा हूं। ट्रेड नेम अगर आपने दिया होगा तो यहां ट्रेड नेम आएगा। उसके बाद में यहां आपको जीएसटी आईएन नंबर पूछा है। सो यहां आपको जीएसटी आईएन नंबर मेंशन करना है। जीएसटी आईएन नंबर प्रोवाइड करने के बाद अगर इस पर्टिकुलर बिल में आपका एक ही सिंगल आइटम है तो आप यहां डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो, या अगर इस पर्टिकुलर परचेस बिल में आपके नंबर ऑफ आइटम्स है तो यहां आपको जो ब्लू प्लस साइन दिया उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहां आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा। यहां से आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चूज करना है। एचएसएन कोड पूछा है, एचएसएन कोड सिलेक्ट करना है। आइटम रेट पूछा है, सो यहां आपको आइटम का रेट देना है। सो जैसे यहां मैं आइटम का रेट दे रहा हूं, कितने यूनिट्स, 1 यूनिट। नंबर्स, यहां आपको टैक्स का रेट पूछा है। सो यहां से आप टैक्स रेट चूज कर सकते हो, या आपने अगर आइटम सिलेक्ट करते वक्त दिया है तो यहां से आपका टैक्स रेट अपडेट होगा। सो इस तरीके से आपका ये सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। यहां आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू डिस्प्ले होगा। यहां इस इनवॉइस के ऊपर अगर आपका ये एडिशनल कुछ चार्जेस है तो आप ये चार्जेस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इसे आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जो हम लोगों ने एंटर किया हुआ डिटेल्स है वो एक्सटर्नल कॉलम्स में अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद आपको ये डिटेल सारे दिखाई देंगे। यहां फिर आपको नीचे सेव पे क्लिक करके ये जो रिकॉर्ड्स आपने एंटर किए हैं उसे सेव करना होगा। आपको मैसेज आएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। फिर इसके ऊपर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जब पूरा डेटा एंट्री हो जाएगा तो उसे आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हम अभी आएंगे जीएसटी रिटर्न 2 प्रिपेयर करने के लिए जीएसटी रिटर्न्स के अंदर। सो जीएसटी रिटर्न्स के आने के बाद हम जाएंगे जीएसटीआर 2 पे। जीएसटीआर 2 पे आने के बाद हमें यहां सारी डिटेल्स दिखती है। हमारा कौन से मंथ का डेटा एंट्री कर रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। यहां आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। ईच ऑप्शंस में आप मैनुअल एंट्री कर सकते हो या एक्सेल के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, या अभी हम लोगों ने जो परचेस डेटा एंट्री में जो परचेस की एंट्री की है सो वो डिटेल्स परचेस रजिस्टर के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो। सो यहां मैं आपको दिखाता हूं कि जो हम लोगों ने डेटा एंट्री के थ्रू परचेस बिल्स परचेस रजिस्टर के थ्रू एंटर किए है उसे कैसे इंपोर्ट करते हैं। सो उसके लिए आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको मैसेज शो करेगा डेटा सक्सेसफुली पिक्ड अप फ्रॉम द परचेस रजिस्टर। आप ओके बोल दीजिए। सो इस तरीके से आपके जीएसटीआर 2 में आप परचेस रजिस्टर के थ्रू डेटा एंट्री कर सकते हो या पिकअप कर सकते हो।
या मैनुअल डेटा एंट्री कर सकते हो या एक्सेल के थ्रू आप डेटा एंट्री पिकअप कर सकते हो। सो इस तरीके से GSTR 2 में आपको तीन अलग अलग ऑप्शंस दिया है जिसके थ्रू आप इसमें डेटा इनपुट कर सकते हो। सो इस तरीके से हम लोगों ने GSTR 2 में परचेस के थ्रू डेटा एंट्री कैसी होती है या पिकअप की जाती है वो देख लिया। इसे मैं क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप GSTR 2A जो है उसमें JSON के थ्रू आप डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हो और उसका रिकंसिलेशन कैसे कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।